हेलो जी, वेलकम है आपका मेरे चैनल द देसी इंडियन में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक हैं। आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा जिस सिटी में मैं रहता हूँ, उपसाला में, वहाँ पे काफ़ी बड़ा एक कल्चरल इवेंट हुआ था जो कि दिन में शुरू हुआ था और पूरी रात ऑलमोस्ट चलता रहा था। तो उसी के रिगार्डिंग में ये एक व्लॉग बनाया था, 2-3 दिन पहले मैंने शूट किया था। और ये जो इवेंट है ये हर साल हमारी सिटी में होता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में हुआ नहीं क्योंकि पैंडेमिक की वजह से ये कैंसिल हो गया था। और जी, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे जो स्क्रीन में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में मेरी वीडियोज़ के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही मेरी वीडियो को इन्जॉय करें। तो सीधा चलते हैं जहाँ पर इवेंट है। Chicken, pick a chicken, pick a chicken, dance. Pick a chicken. Hey, hey, hey. Pick a chicken. जहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह चल रही थी वहाँ पे इंडियन स्ट्रीट फूड का फूड ट्रक लगा हुआ था, जहाँ से ऑब्वियस है कि समोसा चाट और मैंगो लस्सी थी, तो इसके बिना तो काम चलना नहीं था, तो ले लिया वो वहाँ पे। आप इसको एंजॉय करते हैं और बाकी जो परफॉर्मेंस बची हुई हैं उनको भी एंजॉय करते हैं साथ में। तो जी, इस टाइम मैं हूँ उपसाला कैथीड्रल के नीचे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये स्कैंडिनेवियन कंट्री का सबसे हाईएस्ट कैथीड्रल है। कैथीड्रल के बिल्कुल नीचे अभी हमने यहाँ पे इंडियन डांस परफॉर्मेंस देखी थी और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, ना कि सिर्फ इसी स्ट्रीट में, इसके अलावा और भी बाकी स्ट्रीट में अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। बैंड्स परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के ट्रेडिशनल डांस आपको देखने को मिलेंगे वीडियो में आगे। और स्ट्रीट फूड तो मैं क्या बताऊँ, देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ भी, जहाँ पर भी नज़र जाती है हर जगह स्टेज है, उसके साथ स्ट्रीट फूड की कार्ट्स लगी हुई हैं, फूड ट्रक्स हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो अलग अलग कंट्रीज़ के, सामने मैक्सिकन फूड ट्रक है और यहाँ पे फलाफल और बाकी फूड ट्रक्स हैं और एक लास्ट में मेरे ख्याल से इंडियन फूड ट्रक भी है। और काफ़ी अच्छी वाइब्स है और पूरी स्ट्रीट्स आपको भरी पड़ी दिख रही हैं और काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है। पिछले 2-3 सालों से हम ये चीज़ें मिस कर रहे थे और कल्चर नाइट में, अभी तो नाइट हुई नहीं है, अभी तो दिन का टाइम है, इसके बाद रात में काफ़ी अच्छी और एक्टिविटीज़ हैं।
in my mind. Look who got blood, I couldn't quite decide. के बाद रात में काफ़ी अच्छी और एक्टिविटीज़ हैं, तो फिलहाल के लिए भी हम थोड़ी रेस्ट करेंगे, घर जाएंगे, क्योंकि बाहर हम इतना स्ट्रीट फूड तो खाते नहीं। तो जी वेलकम है आपका दोबारा से। और जब हम भी सिटी सेंटर में होते हैं तो ये सबसे हमारा फेवरेट स्पॉट है पूरे उपसाला सिटी में। हमें यहाँ पे टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लगता है, और ये मेरे ख्याल से पहली बार है जब हम रात में पूरी सिटी में ऐसी अच्छी वाइब्स और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और पीछे आप देख सकते हो जितने भी स्क्वायर हैं उपसाला सिटी में, हर एक में अलग से स्टेज बनी है, और वहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से अलग अलग परफॉर्मेंस है। पीछे आपने देखा वीडियोस में काफ़ी, कोई डांस परफॉर्मेंस थी, कोई स्ट्रीट पे कहीं पे भी परफॉर्म कर रहा है। और अभी जो मेरे पीछे अभी आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये उपसाला का द मोस्ट फेमस बैंड है हमारी सिटी का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। We're not scared from the eye.